साई राम सबको, ओम साई राम। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये आई थिंक दिवाली से 4-5 दिन पहले की बात है। मैं मतलब कि शाम में पूजा करी थी और पूजा करते हुए मतलब कि साई से बात कर रही थी और मैं रो भी रही थी। कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं रो रही थी और मैं साई से पूछ रही थी कि साई कैसे होगा सब और सब, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा रो रही थी मैं। तो एकदम से जैसे क्या हुआ, मैंने अपनी आँख बंद कर रखी थी तो मेरे को अपने सर के ऊपर कुछ फील हुआ कि जैसे कुछ हल्का सा टच हुआ है मेरे सर के ऊपर। और मैंने जैसे ऊपर की तरफ देखा तो एक रेड लाइट सी कोई मतलब कि मेरे सर के ऊपर से जैसे एकदम से निकली और ये मेरे बाबा का जो स्वरूप है सामने, उसमें जो ऊपर मैंने छत्र लगा रखा है ना बाबा का, उस छत्र में जाके एकदम से टकराई। टक करके आवाज़ भी आई और मुझे दिखी प्रॉपर वो। अब मैं नहीं जानती आप लोग विश्वास करोगे नहीं करोगे इस बात पे, बट ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ। और वो सर उसमें जाके छत्र में जाके एकदम से टकराई और फिर गायब। मतलब मेरे को फील हुआ कि जैसे साईं मेरी सुन रहे हैं, कह रहे कि तू चिंता क्यों कर रही है जब मैं हूँ। तो काफ़ी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस रहा था ये। और फिर मैं काफ़ी काफ़ी इमोशनल हो गई थी कि साई हाँ मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। तो बहुत बहुत इमोशनल था उस टाइम पे ये चीज़। फिर उसके बाद जब गीता जी मतलब लाइव आई हुई थी, वो अपना स्वरूप के दर्शन करवा रही थी ना कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरे आइज़ के मतलब कि उनके बाबा के स्वरूप के आइज़ जो हैं वो कलर चेंज हो गया है। तो जैसे गीता जी के चेंज हो ना, मेरा भी सेम वैसा चेंज हुआ। बट मेरे को ऐसा लगता कि शायद मेरा वहम है, मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे गीता जी ने मेरे को ये बात बताई ना, तब मुझे एहसास हुआ एक्चुअल में कि यार मेरे भी तो बिल्कुल ऐसे ही कलर चेंज हो रखा है जैसे उनके स्वरूप का है। फिर मैंने उठ के फटाफट चेक किया, मैंने कहा यार ये तो वही है बिल्कुल। मैंने गीता जी को अपने स्वरूप का पिक भी भेजा तो उन्होंने कहा हाँ, बताया कि हाँ नहीं हाँ बिल्कुल सेम वैसे ही चेंज हो रखा है। तो एक मेरे के लिए ये भी हुआ। मेरे साथ कहते ना साईं कभी एहसास होने ही नहीं देते हैं। मैं देखो वहम में ही बैठी हुई थी कि शायद मेरा वहम है और ये एक्चुअल में मेरे साथ हो रहा था। तो जब गीता जी ने अपना बताया तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि साईं तो मेरे को पल पल एहसास करा रहे हैं, बस मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ उनके मिरेकल्स को। फिर ये दिवाली पे मेरे नए स्वरूप भी आए हैं मेरे, आप सामने पिक देख रहे हैं। ये दिवाली पे मेरे बाबा आए हैं और मेरी साईं फैमिली में एक नई एंट्री हुई थी इनकी दिवाली पे, और मैं बहुत खुश थी कि साईं दिवाली वाले टाइम दिन मेरे घर आए हैं। और आई एम वेरी हैप्पी। और छोटा सा बस मेरा साईं का परिवार है, ये साईं फैमिली बना रखी है मैंने छोटी सी प्यारी सी। तो बस इतना ही आज शेयर करना चाह रही थी। होप आप सबको पसंद आए मेरे एक्सपीरियंसेस। ओम साई राम, जय साई राम। साई राम सबको, ओम साई राम। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये आई थिंक दिवाली से 4-5 दिन पहले की बात है। मैं मतलब कि शाम में पूजा करी थी और पूजा करते हुए मतलब कि साई से बात कर रही थी और मैं रो भी रही थी। कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं रो रही थी और मैं साई से पूछ रही थी कि साई कैसे होगा सब और सब, मतलब